नमस्कार दोस्तों, एक ब्रेन चार्जर के एक और फ्रेश स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आनंद चौधरी। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप टॉप 3% लोगों में शामिल हो सकते हैं, चाहे दुनिया में होना चाहते हो, चाहे आप जो फील्ड में हैं उसके टॉप 3% लोगों में शामिल होना चाहते हैं। आज की हमारी लर्निंग बुक गोल जो ब्रायन ट्रेसी लिखी है उसी लिखी है, इससे आप जान सकते हैं कि कैसे आप टॉप 3% लोगों में शामिल हो सकते हैं। आज हर व्यक्ति ये चाहता है कि मेरी गिनती टॉप लोगों में हो, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता वो आप आगे जानेंगे। यदि आप ये चाहते हैं कि आपकी गिनती टॉप 3% लोगों में शामिल हो तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। इसमें आपको हम सीक्रेट फॉर्मूला बताने वाले हैं जिससे कि आप जान सकते हैं कि कैसे आप टॉप 3% लोगों में शामिल हो सकते हैं। इस बुक में जो सर्वे दिया गया है वो मार्क मैकॉर्मिक की पुस्तक व्हाट दे डोंट टीच यू एट हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एक सर्वे का हवाला देते हुए कहा गया है कि हार्वर्ड के ग्रेजुएट स्टूडेंट से पूछा गया कि क्या आपने अपने जीवन और भविष्य के लिए स्पष्ट और लिखित लक्ष्य तैयार किए हैं और क्या हासिल करने की कोई कार्य योजना बनाई है। तो दोस्तों ये हम जाने कि इस सर्वे का क्या रिजल्ट रहा, उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि क्या आपके जीवन में भी लिखित लक्ष्य हैं, क्या आपने भी अपने लक्ष्यों को हासिल करने की कोई कार्य योजना बनाई है। तो एक बार के लिए एक मिनट के लिए थोड़ा मनन कीजिए और सोचिए कि क्या आपने अपने लक्ष्य को लिखा है या सोचा है। तो उसके बाद हम जानते हैं कि इस सर्वे का क्या रिजल्ट रहा। हार्वर्ड में पता चला कि सिर्फ 3% स्टूडेंट के पास ही लिखित लक्ष्य और कार्य योजनाएं थी। 13% स्टूडेंट 13% स्टूडेंट के पास लक्ष्य तो थे लेकिन उन्होंने उन लक्ष्यों को लिखा नहीं। 84% स्टूडेंट के पास तो स्पष्ट लक्ष्य ही नहीं थे, उन्हें तो सिर्फ ये पता था कि ग्रेजुएशन के पास कहां जाके कैसे मौज मस्ती करनी है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि समय रेत की तरह फिसल जाता है और 10 साल बाद में यानी 1989 में शोधकर्ताओं ने उन्हीं स्टूडेंट से दोबारा संपर्क किया तो उन्होंने पाया कि 13% स्टूडेंट जिनके पास लिखित में लक्ष्य नहीं थे वे उन 84 स्टूडेंट से ज्यादा यानी दुगुना कमा रहे थे जिनके पास लक्ष्य ही नहीं थे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लर्निंग ये निकल के आती है कि अगर आप लक्ष्य कम से कम आपके दिमाग में भी रहेंगे तो आप उन स्टूडेंट से उन लोगों से ज्यादा पैसा कमा सकते हैं जिनके पास लक्ष्य ही नहीं है। लेकिन हार्वर्ड छोड़ते समय जिन स्टूडेंट के पास यानी जिन 3% स्टूडेंट के पास स्पष्ट लक्ष्य थे, उन्होंने उन लक्ष्य को लिख रखा था, वो उन स्टूडेंट से यानी उन 13% प्लस 84% लोगों से यानी जो टोटल 97% लोग स्टूडेंट हो गए उनसे लगभग 10 गुना कमा रहे थे। तो दोस्तों आपने यहाँ पे जाना कि 3% स्टूडेंट जिन्होंने अपने लक्ष्य लिख रखे थे साथ में उसके हिसाब से कार्य योजना बना रखी थी वो लोग उन 97% स्टूडेंट या 13 प्लस 87% स्टूडेंट से ज्यादा यानी 10 गुना कमा रहे थे जिनके लक्ष्य या तो थे ही नहीं या जिन्होंने सिर्फ लक्ष्य को सोच रखा था। यानी आपको अपने लक्ष्य सोचने भी चाहिए, लिखने भी चाहिए और उसके हिसाब से कार्य योजना भी बनानी चाहिए। यदि आप भी 3% लोगों में आना चाहते हैं तो आपको भी लिखित लक्ष्य बनाने चाहिए, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कार्य योजना बनानी चाहिए, क्योंकि ऐसा करके ही आप शिखर पे यानी टॉप 3% लोगों में शामिल हो सकते हैं। ये फुल प्रूफ प्लान है जिसको आप फॉलो करके अपने फील्ड के या किसी भी फील्ड में 3% टॉप 3% लोगों में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों आपके अंदर हर वह लक्ष्य हासिल करने की क्षमता है जिसे आप पाना चाहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं, क्या आप अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करते हैं, स्पष्ट रूप से लिखते हैं और स्पष्ट रूप से क्या उनको हासिल करने की अच्छी कार्य योजना बनाते हैं। आपके लक्ष्य जितनी ज्यादा स्पष्ट होंगे, लिखे हुए होंगे और कार्य योजना के साथ में होंगे उतनी ही बड़ी सफलता मिलेगी, उतनी बड़ी संभावना होगी कि आप टॉप 3% लोगों में शामिल हो सकते हैं। यदि आप लक्ष्य और योजना ही नहीं बनाएंगे तो हमारा जीवन उस गाड़ी की तरह चलेगा जो बिना साइन बोर्ड या बिना किसी डायरेक्शन के दौड़ रही है। नतीजा ये होगा कि ऐसे लोग 10 से 20 साल नौकरी करके भी कड़के रहते हैं, अपनी नौकरी में दुखी नजर आते हैं, अपने जीवन साथी के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते और बहुत ही कम तरक्की यानी सक्सेस हासिल कर पाते हैं। दोस्तों हम तरक्की तो चाहते हैं, टॉप 3% लोगों में भी आना चाहते हैं और इसके बावजूद घर पे हम रोज बैठ के टीवी या मोबाइल पर अपना समय गंवाते हैं और चीज़ों को बेहतर होने की उम्मीद करते हैं। लेकिन यदि लक्ष्य स्पष्ट ना हुए और लक्ष्य लिखे न गए तो चीज़ें शायद ही बेहतर होगी और अपने आप तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इसलिए दोस्तों आपने इस वीडियो में जाना कि आपको अपने लक्ष्यों के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें लिखना चाहिए और उसके हिसाब से कार्य योजना बनानी चाहिए जिससे कि आप अपने फील्ड के टॉप 3% लोगों में शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल ए ब्रेन चार्जर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। थैंक यू, बाय बाय।